हमार मेन उद्देश्य हो कि हमार पानी और जंगल बिल्कुल न कटना चाहिए। हमारे जंगल और पानी का मार बहुत कमी पेश किया जाए। यह मेन उद्देश्य यह हो कि जंगलों पर हम यह रक्षा करना पर हम यह जागरूक छ। और जब तक हमारे हमें न्याय नहीं मिलल हमारे यह आंदोलन जारी रहो। जब मैं सरपंच नहीं थी उब से मैंने यह पानी जंगल और यह जमीन सब बचा रखा है, पेड़ पौधा। अभी मैं सरपंच हूँ, अभी भी इसमें मेरी जान आ जा रही है। गांव की करीब 100 महिलाएं आकर के इस आंदोलन में सम्मिलित हुई। इससे साथ ही गांव के पुरुष युवा वर्ग ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और हमारा मेन मुख्य मुद्दा है कि पर्यावरण बचे। पर्यावरण तभी बचेगा जब जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा होगी। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि अपने यहाँ एक जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। ऐसे में 1970 में हमारे बुजुर्ग 70 के लगभग हमारे बुजुर्गों ने एक नई पहल की थी कि जंगल को, हमारे वन संपत्ति को देवी की सुरक्षा दे करके, और आज तक वही चला आ रहा है। और जाखणी वन पंचायत से शुरू की गई पहल आज करीब करीब पूरे कुमाऊं में है। इससे हम वैश्विक पर्यावरण में एक महती योगदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे जल, जंगल, जमीन को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें जीना है तो जल, जंगल, जमीन को बचाना है। हमारे शहर में जो ये रोड आ रहे हैं, हमको इसमें बहुत आपस है, पानी के जमीन, ये चीज़ हमारी इसमें बर्बाद हो रही है। इसके लिए हम आगे को धरना के लिए बैठ सकते हैं। हमारा ये आंदोलन करने का मेन मकसद है, जो हम चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर हमारी महिलाओं ने, सरपंच जी ने और गांव के बुजुर्गों ने इससे प्रेरित होकर हम इसको बचाने के लिए आगे आए हैं। हम किसी भी कीमत पर, हमारे महिलाएं, बुजुर्ग, युवा वर्ग यहां से रोड आगे नहीं जाने देंगे और पेड़, जंगल बिल्कुल नहीं कटने देंगे। जाखनी के लोग हैं, ये हमारे सड़क का अलाइनमेंट था जो 2 किलोमीटर लंबाई पर आगे तक जा रहा था। तो इधर मौके पर निरीक्षण के बाद मैंने पाया कि आगे कोई आबादी नहीं है। तो इनका ये कहना है कि इससे आगे रोड न जाए क्योंकि जंगल कट रहा है और कोई आबादी भी नहीं है। तो इस बात से मेरा ये मानना है कि अगर इनकी असहमति है तो ये जो है फिर आगे ले जाना ये सड़क को उचित नहीं होगा। जंगल, जमीन हमारा नहीं चलेगा। चिपको आंदोलन दोहराएंगे, चिपको आंदोलन दोहराएंगे। चल, जंगल, जमीन की रक्षा कौन कर